वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। काफ लीग की हुकूमत को यकीन दहानी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म नईम उल हक कहते हैं तहरीके इंसाफ और काफ लीग में कोई इख्तलाफ नहीं, अफवाहें दम तोड़ गईं। इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत होगा, हलीफ बनकर तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने तजर्बे से फायदा उठाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान मुल्क की अहम जरूरत है, हमने इकट्ठे चलने का अहद किया हुआ है, इकट्ठे चलेंगे। नैब के खिलाफ कारोबारी अफराद की शिकायत मिल रही हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो 30 रोज में फैसला करने का मजाज है। इंसाफ की फराहमी में ताखीर कौम के मुफाद में नहीं। दूसरी जमातों से मिलकर नैब में इस्लाहात पर तैयार हैं। कायमा कमेटियों के लिए शहबाज को सरबरा PAC बनाना पड़ा। मुशीर वजीर आजम नईम उल हक की मीडिया से गुफ्तगू। ऑल पाकिस्तान हज फॉरम एसोसिएशन सस्ता हज पैकेज ले आई। हुकूमती पैकेज से 61,000 रुपए कम करने का ऐलान। एसोसिएशन 3,75,000 में हज कराएगी। हुकूमत 4,36,000 रुपए वसूल कर रही है। हुकूमत की हज पॉलिसी खास तबके को नवाजने के लिए बनाई गई। हज फॉरम एसोसिएशन के सदर आदिल भट्ट की गुफ्तगू। सेहत के नाम पर खजाने को करोड़ों का टीका। शहबाज हुकूमत का एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में 110 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। अद्वियात की फराहमी के लिए TCS को गैर कानूनी ठेका दिया गया। अहम दस्तावेजात लाहौर न्यूज को मौसूल। कहां जाएं, इलाज कहां से करवाएं। शेख जैद अस्पताल की लेथोट्रेप्सी मशीन खराब। गुर्दों में पत्थरी के मरीजों का कोई परसाने हाल नहीं। लवाहिकीन अपने प्यारों को महंगी लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स ले जाने पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया एक्शन। लीज वाले 24 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। पंप मालिकान को पेट्रोल पंप्स पर लगी अपनी मलकूला अशिया उतारने की हिदायत। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल बंद होने की तहरीर के बैनर्स लगा दिए गए। सील पेट्रोल पंप्स की 15 अप्रैल को नीलामी करवाई जाएगी। DC लाहौर। मछली मंडी की मुंतकली का हतमी फैसला। रिम मार्केट भी शिफ्ट की जाएगी। तजावजात गिराने की मंजूरी। 5 मंडियों पेट्रोल पंप्स और बिल्डिंग्स के नक्शाजात मंजूर। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद की जेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। प्राइस कंट्रोल शादी ब्याह एक्ट पर अमल दरामद और तजावजात ऑपरेशन का जायजा। शहरियों ने मछली मंडी के मुंतकली के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। मछली मंडी बाहर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस बात से करके पर जो मछली लोग बाहर भेजते हैं वो बहुत गंद पड़ता है। नई गवर्नमेंट आई है, तब्दीली वाले लोग आए हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये हमें बाहर निकाल दें। ये मल्लेदार भी तंग है, उनकी बच्चियों के रिश्ते जो लेने आते हैं, बदबू इधर इतनी है कि वो रास्ते से ही वापस चले जाते हैं। जनाब ये तो बड़ी परेशानी होती है, बड़े मामला खराब होते हैं क्योंकि इधर गुजरने की जगह भी नहीं होती। सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग से बिलाल नामी नौजवान की हलाकत। लवाहिकीन का लाश मुगलपुरा चौक में रखकर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बिलाल नामी नौजवान को गुज़िश्ता रोज सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। जलानी पार्क में फूड फेस्टिवल का रंगारंग मेला। देसी चाइनीज सभी एक जगह पर मौजूद। बच्चा पार्टी की भी मौज मस्ती। शहरियों की बड़ी तादाद पार्क में उमड़ आई। मारूफ खतात मुसव्विर और शायर सादिकैन की 32वीं बरसी। खताती पेंटिंग्स और इनके जेरे इस्तेमाल अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज। वजीर मुमलिकत बराए माहौलियात जरताज गुल ने भी नुमाइश देखी। कहा अजायब घर से तारीख मिलती है, लोगों को टिकट खरीद कर आना चाहिए। जो कौमें तारीख और कल्चर को भूल जाती हैं वो बेजुबान हो जाती हैं। और रेडियो टीवी के मारूफ फनकार काजी वाजिद को हमसे बिछड़े एक बरस बीत गया। काजी वाजिद ने 25 बरस तक रेडियो पाकिस्तान को अपनी सदाकारी से इस शहर में जकड़े रखा। 60 की दहाई में टेलीविजन से मुंसलिक हुए और अनगिनत किरदार अदा किए। काजी वाजिद 11 फरवरी 2018 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से कराची में खालिक हकीकी से जा मिले।